Good evening, friend. शुभ संध्या। आज मैं कल का एपिसोड पूरा करने जा रहा हूँ। कल के एपिसोड में हमने बताया था कि आदमी, कोई भी इंसान बिजनेस को कैसे सक्सेस बनाए, वो कैसे रिच बने, कैसे धनी बने, कैसे प्रॉस्पेरस बने, कैसे एक स्टैंडर्ड लाइफ जिए, कैसे आगे बढ़े अपने लाइफ में, उसके बारे में हमने कल बताया था। तो उसमें हमने बताया था कि हर इंसान की एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव ए यूनिट। वो इकाई क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव ए यूनिट। फ्रॉम ह्यूमन बीइंग द यूनिट, द स्टैंडर्ड यूनिट इज ह्यूमिनिटी, मानवता। हिंदी में उसे बोलते हैं मानवता। तो हर इंसान को मानव से मानवता जो होती है उस इकाई को पहचानना है। अगर इंसान अपनी मानवता को, अपनी इकाई को पहचान जाता है तो वो जीवन में बहुत आगे जाएगा, वो बहुत आगे बढ़ेगा, उसके प्रोग्रेस को, उसके प्रॉस्पेरिटी को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। होता क्या है, यही मानवता आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। लोग क्या करते हैं, ये मानवता को भूल जाते हैं। जो उनका स्टैंडर्ड लाइफ है, उनकी स्टैंडर्ड यूनिट है, मानव जात की एक जो स्टैंडर्ड यूनिट है, उसको भूल जाते हैं और उसको भूल करके वो कुछ दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। तो इंसान, हर आदमी, हर ह्यूमन बीइंग की अपनी एक पहचान है, अपनी एक इकाई है। हर इंसान को उस अपने इकाई को, अपनी यूनिट को पहचानना चाहिए। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि कोई घड़ी है, घड़ी समय बताती है, और घड़ी जो समय बताती है उस समय का माप करने के लिए हमें सेकंड, घंटे, मिनट को इकाई मान करके, को यूनिट मार करके हम उसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए, हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए उसे, उसकी मानवता को समझना जरूरी है। अगर वो आदमी मानवता को समझ गया तो समझ लो उसका बेड़ा पार है, और वो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती और वो आगे बढ़ जाएगा। देखो होता क्या है कि एक बच्चा है जिसका मैंने उदाहरण दिया था, वो एक कोरा कागज होता है। तूफान आया, बाढ़ आई, पूरा परिवार बह गया, एक बच्चा किसी के घर में पल गया, किसी इस्लाम धर्म के यहाँ पल गया, किसी हिंदू धर्म के यहाँ पल गया, किसी क्रिश्चियन धर्म के यहाँ पल गया, किसी सिख धर्म के यहाँ पल गया, तो वो बच्चा उसी धर्म को मानते हुए, उस देश को मानते हुए, उस शहर के कानून को मानते हुए, वहाँ के रीति रिवाज को मानते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन किसी ने उसको नहीं बताया कि ये बच्चा भी एक मानव प्राणी है। That baby is also belong to human being.
वो भी ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग के बाद ही सारे स्टेप आते हैं। तो पहले हर इंसान को अपनी इकाई यूनिट पहचाननी है, वो इंसान क्या है, उसकी यूनिट क्या है, दैट इज द ह्यूमैनिटी, ह्यूमन से ह्यूमैनिटी है। आप देखोगे कॉरपोरेट सेक्टर में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, जो सभी का टेक केयर करता है, केयर करता है। तो उसी तरह से हर इंसान को अपनी ह्यूमनिटी, अपनी मानवता, अपनी इकाई को पहचानना है। अगर आप अपनी इकाई को पहचान जाते हैं तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। ह्यूमनिटी को पहचानने के लिए हम कुछ आपको बताएंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे आप पहचानोगे। मान लीजिए एक बंदा है, एक बूढ़ा आदमी है, जा रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, किसी भी जात धर्म का है, आपके अंदर ह्यूमिलिटी आ गई, जात धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो कहाँ का है, किस देश का है, किस सिटी का, आपको कोई लेना देना नहीं, आपके अंदर एक दया की भावना आई, आपने उसको हेल्प किया और उसके बदले में उसने आपको आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दिया, तो दैट इज द ह्यूमनिटी। वही ह्यूमनिटी है, दैट इज द ह्यूमनिटी। यही ह्यूमनिटी, यही यही प्रॉपर्टी, यही नॉलेज, यही होली नॉलेज आपके बिजनेस पे, आप कुछ भी काम करोगे उस पे हेल्प करता है। आप कोई भी बिजनेस करोगे, आप ऐसा नहीं सोचोगे कि मेरा ये मैंने बिजनेस किया, मैं इसी आदमी को दूंगा। आपके मन में एक कंसेप्ट आएगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो कुछ है, वो सभी के लिए है। कॉमन फॉर ऑल, इट इज कॉमन फॉर ऑल, ये सभी के हेल्प के लिए है। तो होगा क्या, आपके अंदर ये धारणा आई, आपने चालू किया, आपने चालू किया, दूसरे ने भी चालू किया, तो सबके अंदर अगर इस तरह की अपनी ह्यूमनिटी पहचानने की, अपनी मानवता को पहचानने, अपनी इकाई को समझ गया, तो वो सभी की मदद करना चालू करेगा और एक होली रिलेशन बिल्टअप होगा, एक अच्छा रिलेशन बिल्टअप होगा। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको इसका अंदाज़ा मिलेगा। तो मानवता से हेल्प अगर आप करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, आप जो नहीं चाहते हो वो भी मिलेगा, मतलब आप हर बुलंदियों को छू लोगे। तो इसी को मानवता कहते हैं। तो हर इंसान को अपनी मानवता पहचाननी है। इसके बाद जितने भी सिस्टम है सब आप फॉलो करो, लेकिन मानवता से आप अपना काम शुरू करो। तो विज्ञान की नज़र में, इन साइंस, आप देखोगे, मैंने कल उदाहरण दिया था कि एक आदमी या मैं खुद हूँ, अगर 2 सेकेंड में 10 मीटर जाता हूँ, 1 सेकेंड में मैं 5 मीटर जाऊंगा। तो आप देखोगे हमारा हर इंसान का एक लंबाई है, लेंथ है, वो सभी में कॉमन है, लंबाई
हर इंसान में होगी, वजन हर इंसान में होगा, मास हर इंसान में होगा, उसका वेट होगा, उसका वजन होगा। हमने लंबाई को, अपनी लंबाई को यल मान लिया, वजन को एम मान लिया, मास को एम मान लिया, और मेरे पास टाइम है। अभी होता क्या है कि सपोज मैंने बिजनेस चालू किया, या मैंने जॉब चालू किया, या मैं कोई काम कर रहा हूँ, या मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, या कुछ कर रहा हूँ, तो हमारे पास तीन मेजरमेंट है। एक तो हमारी लंबाई है, एक तो हमारा वजन है, मास है, एक हमारे पास टाइम है। लंबाई मास का मतलब हम फिट हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हम हेल्दी हैं। मान लीजिए हम हेल्दी हैं, तंदुरुस्त हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, काले हैं, दिव्यांग हैं, लेकिन हम हेल्दी हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर ऐसे कुछ तमन्ना है कि हम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमारे दिमाग में है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, हमने एक कदम आगे बढ़ाया, 2 मिनट में हमने, 2 सेकंड में हमने 10 मीटर चल दिया। तो हमारी जो स्पीड हुई, हमारा जो वेलोसिटी हुआ, वो क्या हुआ, 5 मीटर पर सेकंड हुआ। 5 मीटर, 5 मिनट में हमने 5 मिनट में हमने 5 मीटर, हमने 2 मिनट में 5, मतलब 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट में हमने 5 मीटर चल दिया। तो इस तरह से आप देखोगे कि हमने डिस्टेंस को अगर एस मान के रखा है या डी मान के रखा है, हम एक ही मानते हैं, हमने डिस्टेंस को डी मान के रखा और हमने इस जो वेलोसिटी तय किया उसको वी मान लिया और टाइम को टी मान लिया। बहुत अच्छा रिलेशन है। तो कोई भी डेंस डिस्टेंस होती है, जैसे मेरी लंबाई है, उसको हम एल से डिनोट कर देते हैं, विलास्टी को हमने बताया कि 2 सेकंड में हमने 10 मीटर तय किया, तो विलास्टी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितना डिस्टेंस कवर किया उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हमने, हमें उसका विलास्टी मिल गया। जैसे मैं 5 मीटर चला 2 सेकंड में, 1 सेकंड में हमें 5 मीटर मिला। तो हमने क्या किया, सिंपल इक्वेशन, सिंपल कैलकुलेशन किया कि वेलोसिटी, उसके डिस्टेंस को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, 10 डिवाइड बाय 2, 10 को 10 से हम 2 से डिवाइड कर दिया और हमें 5 मिल गया। तो दैट इज़ द वेलोसिटी, मतलब डी अपॉन टी, दैट इज द वेलोसिटी और इनटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी। तो टोटल डिस्टेंस जो हमने चला, कितनी देरी में हमने दौड़ा, 2 सेकंड में हमने 10 मीटर चला, तो हमारा जो डिस्टेंस कवर अप हुआ वो क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टी इंटू टी, वेलोसिटी इनटू टी। तो टी टी कट हो जाता है, अगर आप मैथमेटिक्स जानते हो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, टी टी कट हो जाएगा और दोनों साइड में डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इट इज़ प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज द राइट हैंड साइड। इसी को हम डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं।
दिस इज द बिमीय विश्लेषण। हर इंसान की जिसकी एक मानवता की इकाई है, मानो ह्यूमनिटी इज द यूनिट ऑफ दैट पर्सन, दैट ह्यूमन बीइंग, उसका जो वेक्टर, उसका जो डायमेंशनल एनालिसिस, हर इंसान का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने देखा कि जितना जल्दी हम किसी की मदद करेंगे, जितना जल्दी रिलेशन बिल्टअप करेंगे, जितना लड़ाई झगड़ा क्राइम आदि से हम दूर रहेंगे, उतना ही जल्दी हम अपने मुकाम को हासिल करेंगे। ये डायमेंशनल, हर इंसान को अपनी डायमेंशनल एनालिसिस समझनी चाहिए। वो कोई भी इंसान हो, काला हो, गोरा हो, कुछ भी हो, उसकी डायमेंशनल एनालिसिस कॉमन होती है, क्योंकि ही इज द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की जो यूनिट्स है वो ह्यूमनिटी है। अगर वो ह्यूमनिटी को जानता है तो उसी से वो मदद करेगा, और उसी से मदद करके वो अपनी डायमेंशनल एक एनालिसिस करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी करेगा, और उस एक्टिविटी करने के बाद वो अपने मुकाम को हासिल करेगा। तो इट इज़ द प्रूव्ड फ्रॉम साइंस, ये साइंस से प्रूव किया गया है। तो हर इंसान को अपनी यूनिटी समझनी है और अपनी डायमेंशनल एनालिसिस को समझना है। जितना जल्दी हो गए हो सके उतना लोगों से रिलेशन बनाना है, लोगों को समझना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों का हेल्प करना है। आप इस तरह के काम करोगे तो समझ लो आप अपने को पहचान गए। आप हर एरिया में कोई भी फील्ड लो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो, बड़े बड़े से बड़े काम करना चाहते हो, आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, गरीब हो, कुछ भी हो, अगर आपने अपनी यूनिटी, अपनी यूनिट्स, अपनी इकाई को पहचान लिया, आपने अपनी ह्यूमनिटी को पहचान लिया, तो आपको कोई धर्म, कोई जात, कोई क्षेत्र, बात, कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकता, और कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप बहुत आगे बढ़ोगे, आप लाइफ में सक्सेस होगे, ये आप याद रखो। गुड इवनिंग, बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपको नए मोटिवेशनल टिप्स के साथ। सभी से प्रेम करो, सभी से प्यार करो, किसी को लड़ाई, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, सभी को समय दो, थोड़ा बहुत समय दो जो रिलेशन बिल्टअप करने के लिए, सभी को समझो, बाकी चीज़ें आप जानते हो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।